एक होर प्रोग्राम लिखन लगे हैं उहदे विच मैं करवाउणा की है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू इंटीजर्स प्रिंट द ग्रेटर या बिगर या ग्रेटर नंबर जिहड़ा उन्हां दोनों विचों वड्डा नंबर है वह प्रिंट हो जाए। यह प्रोग्राम लिखना है। हुण इहदे वास्ते असीं की करते हैं हैश इनकलूड नाल तां पहलां आ फाइल लिखदी है ना, इह तां तुहानूं पता लग ही गया void main जी। हुण दो नंबर वह पुछ लवे उन्हां दे विचों ग्रेटेस्ट नंबर नूं प्रिंट कर देवे तां आपां इहनूं इत्थे तुसीं दसो मैनूं असीं की लिखिए वेरीएबल किने लिए दो वेरीएबल आपां लै लईए इंटीजर टाइप दे ए आर बी लै लैंदे आ फ्लोट भी लै सकदे आ यस हाँ वो प्रोग्राम के विच मैं इंटीजर लिखता ना तो जे आप मुताबिक चलते तो फिर इंटीजर ले लीजिए। इतने मैं एवें करदा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी टू नंबरस मतलब दो नंबर पुछ लगे नंबर मीन कोई भी नंबर हो सकते हैं फ्लोट भी हो सकते हैं। आप फ्लोट टाइप के दो वेरीएबल ए और बी ले लेंगे ए कॉमा बी दो वेरीएबल बना ले। हुण आपां ए विच कोई नंबर स्टोर करवाना है इनपुट करवाना है तो बी विच भी कोई नंबर इनपुट करना है तो इतने की लिखिए बसंती आ बताओ क्या लिखे हम प्रिंट एफ एंटर ए नंबर पहला एक नंबर इनपुट करने वास्ते ये भी लिखते हैं स्कैन एफ इतने लिखेंगे परसेंट एफ और फिर कह देंगे एंड ए एक नंबर पूछ रहे इस तरह ही अपना सैकेंड नंबर भी इनपुट करना है। हूँ की लिखिए हाँ जी करवा सकते हैं बट मैं चलो हाले एक एक ही करवा रहे हैं समझाने वास्ते प्रिंट एफ एंटर एनअदर नंबर आप एक नंबर होर पूछना है ता करके आप प्रिंट एफ लिख के स्कैन एफ दे विच इत्थे लिख दिए परसेंट एफ कॉमा एंड बी आप बी ते ए दो वैल्यूज इनपुट करवा लिया। हुण की करना है हुण कहना भी जे ए वड्डा है तां ए प्रिंट कर दे जे ए वड्डा नहीं है तो फिर बी प्रिंट कर दे। वेरी सिंपल बन जाना प्रोग्राम मैं कहूँगा इफ ए इज ग्रेटर दैन बी मैं ये कहना भी जो नंबर वड्डा प्रिंट हो जाए तो इतने हम मैं लिख देना प्रिंट एफ परसेंट एफ आर ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो हूँ आप कह दिए एल्स इतने कह दिए प्रिंट एफ परसेंट एफ और इतने आप कर दईए बी कि जे ए वड्डा है तो ए प्रिंट कर दे जे ए वड्डा नहीं है तो फिर मतलब बी वड्डा होगा अंडरस्टूड है दोनों चुक तो वड्डा है ना जे दोनों बराबर भी ने तो फिर कंप्यूटर की प्रिंट करूगा ए के बी नहीं नहीं करूगा एल्स कि जे दोनों बराबर ने तो कंडीशन हो जानी है फालस वड्डा है नहीं गा जे फालस हो तो फिर कंप्यूटर बी नू प्रिंट कर दोहे आप मान लो दोनों वैल्यूज आप 25 25 भर दें तो फिर आपको तो 25 ही आउटपुट मिलेगा ना बट वो वैल्यू कि प्रिंट करूगा ए दी कि बी दी आंसर है कि बी दी प्रिंट करूगा जे आप इतने इक्वल टू भी ला दीए हालांकि दोनों वैल्यूज बराबर ने सानू कोई मतलब नहीं है चाहे ए मिले चाहे बी मिले अपन तो दोनों रिजल्ट ठीक ने ना जे आप इतने इक्वल टू लगा दीए तो यह मतलब है भी जे ए ते बी दोनों बराबर ने या ए वड्डा है तो वह ए दी वैल्यू प्रिंट करूगा। आप इतने ए भी कह सकते हैं ए इज बिगर या ग्रेटर इतने आप कह दें बी इज ग्रेटर जानी जे ए वड्डा होगा तो मैसेज होगा ए इज वड्डा वह नंबर आ जाएगा। हुण जे अगर दोनों बराबर हो तो उन्हें कहना ए इज बिगर चला के देख लीए आप असी इनू रन करते हैं रन करते उन्हें पूछा एंटर ए नंबर असी कोई नंबर सपोज करो 56 लिखता एंटर दबता हूँ कहता है एंटर एनअदर नंबर आप इतने 78 लिख दें हूँ आउटपुट की आएगा हूँ उन्हें जदों आ लाइन पढ़ रहे हैं ना इस समय वह 11वीं लाइन हल कर रहे 11वीं लाइन हल करने तो बाद 12वीं लाइन पर जाके की करूँगा एंटर दबूंगा तो उन्हें 12वीं आ जाना है 12वीं लाइन देखो ना आ दिख रही है 12वीं लाइन जिथे लिखा इफ ए इज
ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, तो इस हालात जिहड़ी अपनी 12वीं लाइन है वो जिहड़ी कंडीशन लगी हुई है उस कंडीशन का रिजल्ट की होगा? नहीं बच्चे नहीं, यह नहीं कहना है, आप कहना जिहड़ी कंडीशन दी हुई है ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, इस कंडीशन का रिजल्ट आऊगा या ट्रू या फॉल्स? की होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स आऊगा, सही गल है। जे फॉल्स आ गया तो फिर कंप्यूटर की करूँगा? हाँ जे फॉल्स है तो वो इफ दे अंडर जी स्टेटमेंट स्किप कर दूंगा, जंप करके एल्स से आ जाऊगा, तो एल्स से आ गया तो फिर वो प्रिंट कर दूंगा बी इज ग्रेटर, नाले भी उसकी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। तो हूँ जो मैं एंटर दबूंगा यू विल सी रिजल्ट, देखो कि आया बी इज ग्रेटर, नाले की वैल्यू आएगी 78। समझ गई गल नहीं? असा अच्छा जे असी इनू मैं बंद करता, अगेन मैं एक बार फिर चलाऊंगा बिल्ड च जाके रन, हुन रिजल्ट की आऊगा? पहला ए पुछूगा फिर बी पुछूगा, उस तो फिर देखूगा भी रिजल्ट की आऊगा। मान लो आप ए भर दें 67, इतने भर दें 12, हुन ए है वड्डा, तो हुन की होगा जिहड़ी 12 नंबर स्टेटमेंट ते जदों पहुंचिया तां इहदा रिजल्ट 12 नाल की आ जाऊगा? ट्रू या फॉल्स? 12 नंबर स्टेटमेंट ते जाऊगा तां उत्थे इफ दे नाल लिखा है, कंडीशन लिखी है ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, तो की यह ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, तो सर ए वड्डा है बी तो, वड्डा हैगा है, ए दी वैल्यू 67 है, बी दी 12 है, ट्रू है। जे ट्रू है तो फिर कंप्यूटर प्रिंट कर दूगा, फिर कंप्यूटर प्रिंट कर दूगा आ वाली लाइन, आ 13वीं लाइन ते आ जाऊगा, यानी जे ट्रू है तो 13th नूं पढ़ूगा, 15th नूं छड़ दूगा। जे ट्रू है तो एल्स तो उपर वाली पढ़ूगा, जे ट्रू नहीं है फॉल्स है तो एल्स तो हेठली पढ़ूगा। हुण उन्हें आउटपुट की देना, देखियो ए इज बिगर 67, जो असीं कहता आपां लिखता ए इज बिगर, नाले वैल्यू प्रिंट करवाती, उही सेम आउटपुट आ गया। कोई की प्रेस कर दें वापस आप अपने प्रोग्राम चाहिए। बी थोड़ी फॉल्स है, ए कह सकते हैं भी थोड़ा जरा रिजल्ट ऑफ फॉल्स है, फॉल्स तो है नहीं गा ना, क्योंकि तेरा मैं समझ लगी नहीं है। देख आ कंडीशन ट्रू है, जे कंडीशन ट्रू है तो उन्हें आ कम कर लेना है, इफ का कम यही है ना भी जे कंडीशन ट्रू है तो वह 13 नंबर लैन पड़ूगा, जे फॉल्स है तो वह 15 नंबर पढ़ूगा, वो दोहे कट्ठे नहीं पढ़ूगा, जे 13 पढ़ूगा तो 15 छड़ूगा छड़ूगा, जे 13वीं छड़ूगा तो 15वीं पढ़ूगा, दो कम कट्ठे तो करूँगा नहीं ना, जे दोनों कम कट्ठे कराने हैं तो तुम वो कोई कम इतने लिख दो, या कोई कम अब अगर आप इतने लिखेंगे इतने कम कुछ लिख देने, इतने लिख देने प्रिंट एफ, बोलो की कहेंगे जो आप कहेंगे प्रिंट कर दूंगा, फिर वो हर हालत तो प्रिंट करूँगा, ट्रू है तद भी फॉल्स है तद भी, क्योंकि ये आप इफ एल्स तो बहर आ गए, इतने आप लिख देना दी एंड, तो हूँ एंड के उत्ते प्रिंट कर दूंगा दी एंड, अच्छा मैं एक बार फिर रन कर दें बिल्ड बिल्ड एंड रन, हूँ मैं दोनों नंबर बड़े बराबर भर देना, मान लो इतने मैं लिखता 50 और अगे मैं करता 50, हूँ कंप्यूटर की प्रिंट करूँगा आउटपुट की होगा? ए इज बिगर, यस ऐसे ही लिखा जाऊगा ए इज बिगर, और उस तो बाद फिर दी एंड भी लिखा होगा, एंटर दबिया देखो ए इज बिगर, बाद दी एंड भी प्रिंट हो गया। इफ दा कम सी, तो ये मैं एक कम होर अगर कर लूँगा, मैं इसे प्रोग्राम के थोड़ी जी होर चेंजेस कर दा, मैं एक प्रोग्राम थोड़ी चेंज कर दा, तुहानू पुछूंगा मैं इहदा कम की होगा,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਰਸੈਂਟ ਐਫ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਫਲੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝੋਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 10, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਏ 10 ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 20 ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਏ 10 ਬੀ 20 ਲਿਖਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ 15 ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਏ 10 ਹੈ ਬੀ 20 ਹੈ ਦੈਨ ਐਟ 15th ਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਟਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਟਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 16 ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਤਾਂ 16 ਛੱਡ ਦੂਗਾ, 16 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜੂਗਾ ਜੇ 15 ਲਾਈਨ ਟਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 15 ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ, 16 ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰੂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਬੀ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਵੀ 20 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੀ ਹੈ ਉਨੀ ਏ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਭਰਤੀ ਮੈਂ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, 16 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, 17 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, 18 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 18 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੂ, ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਕਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਏ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਵੱਡਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ 3 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ ਐਨੀ 3 ਨੰਬਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿਗੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਏ ਬੀ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਂਟਰ ਐਨਦਰ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਐਫ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਐਫ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏ ਅਤੇ ਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹ 'ਚ ਗਈ, ਏ 'ਚ ਗਈ, ਏ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਏ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਏ ਗਰੀਡੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਏ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੱਕ ਏ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
इनू लाल चकमा बड़ा हो जाएगा। जे बी बड़ा होया तो उन्हें बी की वैल्यू ए चलाई जानी है, ए बड़ा हो गया हूँ ए नू फिर सी नाल कंपेयर किया, जे सी बड़ा है तो ए ने वो भी ग्रीड कर लेना, इन्हें वो भी लालच कर लेना, आप कह लेंगे ग्रीडी मैथड है, ए लालची है तो ए ने सी नाल कंपेयर किया, जे सी बड़ा है तो उन्हें वह वैल्यू भी चक्के अपने को लिया, जे सी बड़ा है तो ए की वैल्यू सी बन जूगी, तो जे ए बड़ा है सी छोटा है तो फिर ए की वैल्यू जिनी हैगी पहला वीड्डी उन्नी रह जानी है, जे वीड्डी है तो लै लेनी है, जो छोटी है तो छड़ देनी है, ग्रीडी ला। तो हूँ आप जो ए प्रिंट करवाएंगे तो सानू डेफिनेटली तिना नंबर जो भी नंबर वड्डा होगा वह आउटपुट पर आ ही जाना है, कोई मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है, रन करके देखना, लो आप रन करके देख लेते हैं, रन किया हूँ होगा कि आपू साइड के नाल प्रोग्राम भी देखते हैं, ये लो इतने आप सामने प्रोग्राम देखते हैं, कंप्यूटर ने मैमरी तीन वारी भी ले ली ए बी सी, हूँ ए वैल्यू पूछ लिया, ए वैल्यू कि भर दी है, सपोज मैं 34 लिख, हूँ मैं बी की वैल्यू लिख दिना, बी की वैल्यू सपोज दैट मैं 45 लिख दिना, जे मैं 45 लिखा तो फिर चलो बी 45 हो गया कोई गल नहीं, हूँ मैं सी की वैल्यू लिख दिना, ओह एक ही हो सी की वैल्यू मैं ना गलत की कर गया, परसेंट एफ तीजी वैल्यू नहीं पूछी नंबर तो, इट मीनस ये प्रोग्राम पुराना चल गया, मैं कोई गलती कर गया, दोबारा रन करता बिल्ड जाके मैं आ कमांड दबी सी, है चलो आ कमांड दबनी थी कि बिल्ड एंड रन, कि जिहड़ा कुछ मैं इस लिखा ना इन्हें पहले बिल्ड कर, यदि ये सी फाइल पढ़ा इनू कंपाइल कर, हूँ ये चले एंटर ए नंबर, आप नंबर दें कोई सपोज दैट मैं लिख देना 45 ए हो गया, बी की वैल्यू मान लो मैं 56 दे दी, सी की वैल्यू मान लो मैं 34 दे दी, हूँ की करूँगा दसो तुम, तीन वैल्यूज पूछनी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक उन्हें हल करता स्टेटमेंट्स, हूँ वो 15वीं लाइन पर आ गया, 15th लाइन पर जो मैं एंटर करूँगा तद आऊगा, हाले हाले वो 14वीं लाइन पर खड़ा है, हूँ मैं तुम्हें पूछना चाहना है 15वीं लाइन पर जो पहुँचूगा तो की करूँगा, हाँ हाँ ए की वैल्यू भी 56 हो जाएगी, उस तो बाद फिर नैक्सट 17वीं लाइन पर आ जाऊगा, हाँ तो 15वीं लाइन से जाके वो बी की वैल्यू फड़ लूगा, फिर उस तो बाद 17वीं जाऊगा तो फिर वह सी की वैल्यू जिनी हैगी छड़ दूगा, उन्होंने वो डिस्कार्ड कर दूगा, अपने को जी पहली वैल्यू कहना मेरे तो पहले ही वीड्डी है, तो हूँ देखियो आउटपुट की आता 56 आ गया, उन्हें ए 56 पालिया, यानी ग्रीडी है ये, यू लालच है मैं वे हो जाऊँ, जे अगर वो नवी वैल्यू आई है जी वी है तो वह फड़ लूगा, नहीं तो अपनी नहीं तो नहीं फड़ूगा छड़ दूगा अपनी ही वीड्डी रख दूगा। अच्छा इस प्रोग्राम में मैं ऐ भी बना सकता हाँ, इतने ना मैं सी वेरीएबल है ना, मैं थोड़ा जहाँ डिफरेंट करना, इन होर सौखा करना, थोड़े जहाँ मैं चेंज कर ला, आ लाइन मैं चक के इतने पाता, इनू मैं कर देना, इनू मैं कॉपी करके इतने पेस्ट करता, मैनू ना हूँ एक चेंजेस ये कर लगे हैं, मैं ए आर बी दो वेरीएबल है, सी लिया ही नहीं है, कंप्यूटर पुछ भी एक नंबर वो ए च गया, फिर पूछे अनदर नंबर वो बी च गया, फिर जे अगर ए छोटा है तो उन्हें वड्डा नंबर चक के बी बी वाला ए च पा देना है, अगेन मैं हूँ इतने ना खास चीज़ ये हैगी भी जो मैं 11, 12, 13, 14 आ लाइना च लिखा उ सेम मैं कॉपी करके थले पेस्ट करता 15 to 18 तक सेम कॉपी, मतलब जिहड़ा तीसरा नंबर वो पूछ रहा उन्होंने मैं सी च नहीं भेजा, उन्होंने मैं ए च ही लै बी च ही पाता, थर्ड नंबर नूं मैं बी विच ही इनपुट करा लिया, फिर कंपेयर किया जे ए छोटा है बी तो वह वैल्यू बी आ जाए, वह वैल्यू ए आ जाए, उही सेम काम है, बस मैं एक वेरीएबल बचाया, मैं एक वेरीएबल पहला सी वरत्या सी हुण मैं नहीं वरत्या, हुण इहनूं चला के देखियो
मन सोच के देखियो, अपने अपने आप रफ दिमाग सोच के देखियो कि की करूँगा, पहला ए की वैल्यू पुछ लूगा, फिर बी की वैल्यू पुछ लूगा, फिर कंपेयर करके जे बी की वैल्यू वड्डी है तो वो ए चले जूगा, नहीं तो ए वड्डी है तो ही रह जूगी, अगेन यही काम फिर चलूगा, नंबर फिर पुछूगा बीच पा दूगा, फिर देखूगा जे बी वड्डा आ गया तो वो चक्के ए च पा दूगा, नहीं तो ए वड्डा है तो ए ही रह जूगा, उदा ही काम यदा भी यही हो गया। हाँ मैं सी नहीं ना यूज किया, मैं बीच ही सार लिया, मैं ये दसना चाहता भी इदा भी बन सकता है, इदा बनाने के फायदे भी ने, अगले प्रोग्राम में लूप सिखाऊंगा उस पता लगेगा कि बेनीफिट है। खैर एनी वे थोड़े को मैं हम तुम्हें मैं तीन नंबर इनपुट करने वास्ते इनपुट करा के ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करवाया, वह प्रोग्राम होर भी कोई मैथड हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही मैथड है, एनी नंबर ऑफ मैथड्स कैन बी, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई मैथड हो सकते हैं। जी इनू मैं रन करना है तो बिल्ड जाके रन करके देख भी सकता हाँ, मान लो मैं लिखा चार इतने लिखता, अठ इतने लिखता, दस पंद्रह लिखता, हम एंटर करा कि पंद्रह रिजल्ट आ गया।